राजगढ़, 5 लाख, 10 लाख, नहीं 12 लाख। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में कुछ इस तरह एक पंचायत बैठती है और यह रेट बहू और बेटियों की होती है। इन पंचायतों में बेटी और बहुओं की बोली लगाई जाती है। सबसे अधिक रुपए की बोली लगाने वाले को बेटी और बहू को सौंप दी जाती है। मंडी में बेटियों को बेचने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके परिवार के लोग होते हैं। शादी के बाद पति अपनी पत्नी को बेचता है। ये मजबूरी ने एक सामाजिक प्रथा है जो वर्षों से चली आ रही है। इसे नातरा झगड़ा प्रथा कहते हैं। इस सामाजिक बुराई के खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। पिछले दिनों एक मामला सामने आया तो राजगढ़ एसपी ने महिला को आजाद करवाया और बेचने वाले शख्स को हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर माफी मंगवाई। अब लोग इस प्रथा के खिलाफ खड़े होने लगे हैं और बेटियों की शिक्षा और अधिकारों को समझने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। समुदाय के लोग अब एकजुट होकर इस प्रथा का विरोध कर रहे हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। राजगढ़ जिले में यह प्रथा दशकों पुरानी है। यही वजह है कि हर साल जिले में दर्जनों मामले नातरा झगड़ा के दर्ज होते हैं। सामाजिक स्तर पर फैली इस बुराई को समाप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। नातरा झगड़ा के चक्कर में कई युवतियों और महिलाओं के सपने टूट जाते हैं। क्या होता है यह नातरा झगड़ा? दरअसल राजगढ़ जिले के इन इलाकों में पहले बेटियों का बाल विवाह करवाया जाता है। शादी के बाद महिला ससुराल में जाकर रहती है, वहां कुछ दिनों तक उसका शोषण होता है। इसके बाद ससुराल के लोग रखने से मना करते हैं। इसके बाद लड़की को उसके घर भेज देते हैं। यह प्रथा न केवल महिलाओं के सपनों को तोड़ती है बल्कि पूरे समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा देती है। समुदाय के लोग अब जागरूक हो रहे हैं और इस प्रथा को खत्म करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। बदलते समय के साथ नई पीढ़ी के लोग इस प्रथा को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। इसके बाद लगता है नातरा झगड़ा। महिला को छोड़ने के बाद पति तलाक भी नहीं देता है। पीहर पक्ष के लोग तलाक के लिए कहते हैं तो लाखों रुपए मांगे जाते हैं। इसके नातरा झगड़ा लगता है। नातरा झगड़ा में दोनों पक्षों के बीच गांव में पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत दोनों पक्षों की सुनवाई करती है। लड़का पक्ष के लोग अपनी मांग रखते हैं। इस दौरान अगर लड़की पक्ष के लोग उनकी मांग पूरी करने में असमर्थ होते हैं तो लड़की की शादी दूसरे से करवाई जाती है। फिर वही पक्ष रुपए देता है। इसके बाद नातरा झगड़ा खत्म होता है। हर साल दर्जनों लड़कियां इस प्रथा का शिकार हो रही हैं। इस दौरान लड़की पिता और पति दोनों उस पंचायत में रहते हैं।